हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से तीन बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहा, और उनमें से एक अपडेट्स आप लोगों के लिए बेड न्यूज़ है। क्योंकि बेड न्यूज़ है, कहा जा रहा है कि ग्रेड सी लाने वाले विद्यार्थी फेल हो सकते हैं मैट्रिक एग्जाम में। इस पर मैं आप पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि सी ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी भी पास हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, और वो मैं आपको लिख लिख कर बताऊंगा, सारे डिटेल्स करके दिखाऊंगा आप लोगों को, आप विथ प्रूफ के साथ, कि आप किस तरह से फेल हो सकते हैं और कौन कौन विद्यार्थी पास भी हो सकते हैं सी ग्रेड वाले भी, ठीक है। और जो डी ग्रेड है वो तो फेल हो ही जाएंगे, इस पर कोई दो मत नहीं है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों को मेरी ओर से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में जरूर लाइक कर देना। पहला अपडेट यह है कि आप सब जब भी जानते हैं कि आप लोगों का मैट्रिक इंटर रिजल्ट कैंसिल हो गया है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जून को ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके बता चुके हैं। लेकिन ये ऑफिशियली आप लोगों तक जैक बोर्ड नहीं दिया था कि एग्जाम कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये हम लोग पेपर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ही सुनते आ रहे थे, लेकिन काल शनिवार को जेक बोर्ड ने ऑफिशियली प्रेस विज्ञापित करके सूचित किया गया सभी अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्राओं को कि मैट्रिक इंटर रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया 2021 का, और इसका परिणाम जल्द से जल्द लाने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरा अपडेट है कि काल शनिवार को हमारे जेक के सेक्रेटरी और सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों से एक वर्चुअल मीटिंग हुआ, और इस वर्चुअल मीटिंग पर यह निर्णय लिया गया कि आप लोग तैयार रहिए, जैसे ही आप लोगों को आदेश दिया जाएगा कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट्स मार्क्स आप पोर्टल के माध्यम से, आप लोग पहले से तैयार रहिए, और जो विद्यार्थी का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है अब तक, तो उनको एक शेड्यूल जारी करके स्कूल बुलाकर प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। तो उन लोगों को कहा गया कि आप लोग तैयार रहिए आप लोग के तरफ से, और जैसे ही आदेश आप लोगों का आता है वैसे ही आप लोग जल्द से जल्द इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स बोर्ड को उपलब्ध कराएं। और ये हमारा तीसरा न्यूज है जो बेड न्यूज है। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से निकल कर आ रहा है कि क्लास नाइन्थ में ग्रेड सी जिन जिन विद्यार्थियों को मिला है मार्कशीट में, तो वे विद्यार्थी हो सकते हैं फेल। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी है कि एक एक नहीं, दो दो तीन तीन सब्जेक्ट्स में ग्रेड सी है, तो क्या सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो सकते हैं और एक सब्जेक्ट्स में फेल हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और जो विद्यार्थी डी है जिसका, उसको तो फेल हो ही जाएंगे, उसका कोई दो मत नहीं है। और बी विद्यार्थी जो ग्रेड बी लाए हैं उन तक सभी विद्यार्थी पास हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सी विद्यार्थी भी लाने जो लाए हैं वो भी पास हो सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं, और मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आओ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नौवीं का ग्रेडिंग सिस्टम आधार पर आपको जो मार्क्स मिला है तो कितना ग्रेड है, और किस ग्रेड को कितना मार्क्स मिलता है तब उस ग्रेड मिलता है। देखो समझते हैं, नौवीं में आपको पांच ग्रेड रखा गया था। पहला ग्रेड था कि ए प्लस, दूसरा ग्रेड था ए, और तीसरा ग्रेड था बी, और चौथा ग्रेड था सी, और पांचवा ग्रेड था डी, ठीक है। तो समझते हैं पहले कि ए प्लस विद्यार्थी को कितना अंक लाने पर मिलता है। तो ए प्लस आपका टोटल का 80% या 80% से अधिक नंबर लाने पर आपको ए प्लस ग्रेड में मिलता है। दूसरा, जो विद्यार्थी 60% से अधिक और 80% से कम है ना, और इसके बीच में जो विद्यार्थी नंबर लाए हैं वो विद्यार्थियों को मिला है ग्रेड ए। और जो विद्यार्थी आपका 45% से अधिक और 60% से कम, यानी 60% नहीं है इसमें, 45% है, 60% से कम और 45% के बीच में जो भी विद्यार्थी लाए हैं उसको मिला है ग्रेड बी। और जो विद्यार्थी ग्रेड सी मिला है उसको वो टोटल मार्क्स का 33% लाए हैं या तो फिर उससे अधिक, कितना, 45% से कम तक। और ग्रेड डी को मिला है जो 33% से कम लाए हैं वो विद्यार्थी को ग्रेड डी मिला है। ये तो समझे।
अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो ग्रेड कहा जा रहा है आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो ग्रेड सी लाए हैं वो विद्यार्थी हो सकते हैं मैट्रिक में फेल। तो कैसे फेल हो सकते हैं और कैसे नहीं भी फेल हो सकते हैं सी में, ये मैं आपको बताता हूँ और एग्जाम्पल से समझिए। बहुत सारे विद्यार्थी पास हो जाएंगे, बहुत ही ऐसा कम विद्यार्थी उसमें फेल होने की संभावना है। आप बता तो कैसे, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं। जो पेपर में आया है ये आपको, मुझे लगता है कि इसको नहीं छपना चाहिए था क्योंकि बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्यों इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फेल नहीं होंगे मैक्सिमम बच्चे जो ग्रेड सी में लाए हैं। समझते हैं कैसे। ठीक है, आपका टोटल कितना मार्क्स का हुआ था, 50 मार्क्स का हुआ था, है ना, 50 मार्क्स का हुआ था। और इसमें आपको कितना, 40 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम हुआ था और आपको 10 मार्क्स का क्या हुआ था, इंटरनल असेसमेंट, और दोनों मिलाकर आपका हुआ था टोटल 50। और 50 में से आप कितना लाए हो मैं आगे देखता हूँ। पहले समझ लेते हैं कि अगर जो विद्यार्थी सी मिला वो अगर नंबर कितना लाया है, है ना, कितना नंबर लाने की संभावना बच्चों को, तो टोटल मार्क्स आपका कितना होता, 50। तो ये पहला बोला कि सी लाने के लिए 33% चाहिए या 33% से अधिक, है ना। तो पहले हम बाउंड्री लाइन जो 33% है, 33 को ही समझ लेता हूँ, है ना, डिवाइडेड 100, 33% अगर निकालता हूँ, ठीक है, एक जीरो कैंसिल, 5 × 33 करेंगे तो आपका हो जाएगा 165, है ना। अब देखो एक जीरो नीचे में है तो एक दशमलव इसमें लगा दी एक संख्या के बाद, यानी जो विद्यार्थी ग्रेड सी मिला है वो मिनिमम कितना नंबर लाया है, 16.5 हो सकता है, है ना, मिनिमम हो सकता है 16.5। और 45% इसका निकालते हैं ना, 45% अगर हम निकालते हैं इसका 50 का 45%, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, आपका हो जाएगा 225, है ना। इसके बाद भी एक नंबर के बाद दशमलव लगाई तो कितना, 22.5। जो विद्यार्थी ग्रेड सी मिला है तो हो सकता है कि वो 16.5 मिनिमम मिला है और 22.5 मैक्सिमम मिला है, और इसके बीच वाले भी सी नंबर मिला है, सी ग्रेड मिला है, है ना। तो चलो आप समझते हैं कि इन नंबर के बीच में अगर कोई स्टूडेंट्स को मिला है एक एग्जाम्पल से, तो वो क्या फेल हो सकता है या नहीं हो सकता, समझते हैं। अब देखो, अब मान लीजिए कि 16.5 और 22.5 में से आपका मिनिमम मार्क्स, एक तो मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ 17 नंबर, ठीक है, 17 नंबर लेता हूँ, ठीक, 17 नंबर अगर उस विद्यार्थी को मिला है तो इसमें कौन कौन सा मार्क्स एड है, इसमें आपका थ्योरी मार्क्स एड है और प्रैक्टिकल मार्क्स यानी इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एड है। तो मान लीजिए कि इसको 10 में से, है ना, 10 मार्क्स का होता है और 10 में से इस विद्यार्थी को 8 मिला हो, ठीक है। तो अगर 17 है तो 8 अगर प्रैक्टिकल में मिला है तो उसको, ये विद्यार्थी को कितना मिला है थ्योरी में, 9 जरूर मिला है, 40 में से आउट ऑफ 40 में कितना मिला है इसको, 9 मिला है। टोटल 8 और 9 ऐड करेंगे तो कितना, 17, है ना, 17। तो अब क्या करेगा, अब जो 12th का, सॉरी मैट्रिक का रिजल्ट बनाएगा, तो जो आप कितना में लाए हो, 40 मार्क्स में लाए हो, है ना, टोटल 40 में आप कितना लाए हो, 9 नंबर थ्योरी में लाए हो, तो आप इसको डबल करेगा कितना हो जाएगा, मान लीजिए 80 करता है डबल, ठीक है, तो इसका इसका भी जो मार्क्स आप लाए हो ये डबल हो जाएगा, तो आपको 18 हो जाएगा डबल में, है ना। डबल करने पर आपको कितना मिल रहा है, 18, यानी 80 नंबर में आप 18 नंबर लाए हो। अब क्या है कि 18 नंबर में आपको इंटरनल असेसमेंट ऐड करेगा, है ना, ये जो मैट्रिक में बनेगा इसमें इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल भेजेगा और प्रैक्टिकल है सब में भेज के आपको क्या करेगा, इसके साथ ऐड करेगा। मान लीजिए इस बच्चे को सबसे मिनिमम अगर देगा कोई विद्यार्थी, ये सॉरी कोई स्कूल टीचर, तो 20 टोटल देने को कहा है, 20 में से आपको सोचिए कि मिनिमम 17 और मैक्सिमम 20, यानी बहुत सारे बच्चे को 20 भी मिलेगा और बहुत सारे बच्चे को 17 मिलेगा, लेकिन जो 17 मिलेगा वो सोचिए सबसे मिनिमम, 17 से कम नहीं दे सकता कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट को, चाहे आपका कितना भी बैकग्राउंड खराब रहे, चाहे आप अटेंडेंस हो या ना हो, चाहे आप प्रैक्टिकल में कितना भी मार्क्स ला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम 17 तो देगा ही देगा, ये मेरा मानना है। अगर कोई किसी को देता है तो आप लोगों के साथ ना इंसाफी हो रहा है, या तो सोचिए कि आपका टीचर ने आपको फेल कर दिया, है ना, टीचर ने आपको फेल कर दिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा, टीचर ही होगा आपको फेल करने का, समझ रहे हो। मान लीजिए इसको 17 देता है ना, 17 मिलता है इसको कितना, अब मैट्रिक में कितना, 18 और इसमें 17 कितना हुआ, 18 17 को ऐड करते हो तो 35, है ना, और 35 और पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए, कितना, 33 नंबर चाहिए। तो आप तो 35 नंबर लाए, यानी पास होने से भी 2 नंबर ज्यादा लाए हो, तो आपको, आप तो पास हो जा रहे हो, तो ग्रुप जो ग्रेड सी मिला है वो भी पास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी फेल भी हो सकते हैं, ये चीज आप समझो, फेल भी हो सकते हैं होने की संभावना क्या समझो। आप देखो, अब मान लीजिएगा 10 में से आपको मिला, 10 में से 10 आपको पास करने के लिए हो सकता है कि 10 में से 10 दे दिया, तो इसमें आप कितना लाए हो, 17 नंबर लाए हो, है ना,
तो इसमें आप कितना लाए हो, सॉरी 7 नंबर लाए हो, 17 नहीं 7 होगा, 10 इधर तो प्लस 7, टोटल कितना हो रहा 17, है ना, टोटल 17 नंबर। ठीक है, आप सोचो कि ये कितना में आपको 7 मिला, 40 में 7 मिला, तो ये जब डबल हो जाएंगे 80, तो इसमें कितना मिलेगा आपको 14। ठीक है, अब अगर इसको आपको 17 देता है ना, अगर आपको इंटरनल असेसमेंट अब क्लास 10th में अगर आपको 17 देता है, 14 में अगर 17 देता है ना, तो आपको कितना हो रहा, 31 नंबर हो रहा है, तब आप फेल हो रहे हैं, है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है ग्रुप सी यानी ग्रेड सी जिसको मिला है वो फेल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए इसी को अगर ये 19 नंबर इसको मिल गया है ना, 14 नंबर प्लस 19 नंबर, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, है ना, 9-4 है ना, 9-4 13 है ना, 2-3 33, तब आप पास हो जा रहे हो, एकदम टाइट है, एकदम पास हो जा रहे हो, कितना 33 में 33। ठीक है, लेकिन लेकिन है ना, यदि आप ये सोच लो, आप सोच लो कि ये कि आप 7 नंबर या 7 नंबर से कम नंबर आप थ्योरी में लाए हो, तो ये फेल हो सकने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम है, और जितना कम आपको प्रैक्टिकल मार्क्स दिया है 10 में से, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। यानी आप जितना नंबर इसमें ज्यादा मिला, कम मिला है, तो इतना नंबर ज्यादा, इसमें ज्यादा नंबर लाए हो तब जाके 17 हुआ होगा, है ना। तो जितना कम प्रैक्टिकल मार्क्स आपको 9 में मिला है या इंटरनल असेसमेंट में मिला है, उतना आपके लिए बेनिफिट है, और अगर जितना अधिक मिला है पास करने के लिए आपको ऐसा किया गया है, तो आपके लिए खतरे की घंटी बज रही है और आपका रिजल्ट फेल होने की संभावना है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।